36,036 बिरादरी। आधे लोग को रजत लाल ने बोला कि भाई आप बहुत ऐसी बात करते हो, तो सोचने के लिए भी आईक्यू ज्यादा चाहिए। तो आप उल्लू के पट्टे इसने समय के साथ अपने आपको ढाला। हाँ हाँ। और ढालते ढालते आगे बढ़ गई। हाँ, आगे बढ़ गई। ठीक है, दिमाग में कुछ आया, लाओ चाय लाओ बैठ जाओ। हाँ, तो चाय पे चढ़ चाय नहीं, उनकी लक्ष्य चौधरी ट्रेंड को फॉलो करके आगे बढ़ा। कोई कैरी नहीं, हमारे ट्रेंड बना था। आजकल ज्यादा फेमस हो रहे स्टैंड अप कॉमेडियंस, बस भाई मेरा मानना ही है। हाँ, वो तो है, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी लग रहा है जो ऊन जुनून काम कर रहे हो सब फेमस हो जाते हैं। तो हम लोग रजत दलाल की बात नहीं कर रहे हैं। बंदे की वजह से दो ऐप की कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। भुवन बाम का देख ले, कैरी मिनाटी का देख ले, एलविश यादव का देख ले, इनके बच्चे है ऑडियंस। हाँ नहीं, राउंड टू हेल की और उसकी कहते हैं अमित बढ़ाना की, उसकी पूरी ऑडियंस ही अमित जेल में चले गए। कुछ लोग नहीं, कुछ लोग चैनल बंद हो गए, कुछ लोग का चैनल ही बंद हो गया। आज हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है, तो हम मंगलसूत्र पे बात करेंगे। नहीं, हम लोग अपना दूसरा करियर चुराने का एपिसोड नंबर 3 निकालेंगे। ओके गाइस, दूसरों का करियर चुराने का एपिसोड नंबर 3। पहला था हमारा पॉडकास्टर पे, दूसरा था हमारा व्लॉगर्स पे, हमारे ऊपर कमेंट भी किया था, तीसरा हमारा आ चुका है रोस्टर पे। ओके गाइस, रोस्टर पे सबसे पहली बात जिस पे हमें व्यूज आएंगे, कैरी मिनाटी। मुझे लगता है पहला वो नहीं है, इंडिया का भी लोग, इंडिया का सबसे पहला रोस्टर अभी जो फेमस चला हुआ डॉक्टर जय शंकर। तो अभी तो फिलहाल अनऑफिशियल और पूरी दुनिया के लिए ऑफिशियल जो रोस्टर है डॉक्टर एस जे शंकर, और सबसे और सबसे ज्यादा जो है चाइना और यूरोप की लेते हैं। चाइना को एक बार तो छोड़ भी देते हैं, यूरोप को तो चट चट बोला तू, चट बोला तू, फिर बोल चट, तेरे को बोला किसी ने बोलने को चट? अच्छा एक चीज बताओ ना, तेरे को बोला बात करने को चट, तेरे को बोला बात करने को चट। ए साहब, मेरे को कुछ मालूम है? कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? पूछा मैंने कुछ? वो बंदा बहुत एक्टिव हो गया है। मनोज बाजपेयी का नहीं है, उसका है, अनुपम खेर का है। वो सोच रहा है कि थोड़ा एक्टिवनेस होगी ना बेबी मूवी से, मोदी की अगली कैबिनेट में दोबारा सीट मिल जाएगी। मिलेगी यार, वो दिमाग का वाला बंदा है, उसको मोदी की वजह से सीट नहीं मिली है, फॉरेन सर्विस, उसका दिमाग बहुत अच्छा है उनका, इसीलिए अच्छा, इसलिए एक्सटर्नल अफेयर का मिनिस्टर है, इसलिए उनको फॉरेन सर्विस में काम करते हैं। तो हम फिलहाल यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं, हाँ, इंटरनेशनल रोस्टर्स की नहीं बात, इंटरनेशनल रोस्टर्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि फिर डॉक्टर एस जय शंकर कोई कोई नहीं हरा सकता, लाइक जो सामने आ जाए वही चटेल देते हैं। सबसे पहले व्यूज कैरी मिनाटी कैसे हैं तो देखो भाई, मानना तो पड़ेगा, उसने सबसे पहले इंडिया में मतलब शुरू किया रोस्टिंग का। रोस्टिंग का क्या रोस्टिंग करता था बंदा? उससे पहले अगर तू देख एआईबी, यस एआईबी ठीक था, लेकिन वो एआईबी मतलब वो वैसे नहीं, वो सारे ग्रेजुएट थे, पर वो सारे ग्रेजुएट थे, वो पॉलिटिकल करते थे, वो वैसे नहीं करते थे, वो मतलब खुल के नहीं बोल सकते थे वो। नहीं नहीं, एआईबी खुल के बोलता, पॉलिटिकल पे बोलते थे, इसलिए तो पिट गए उसके, तो मैं कॉलेज पास कर पिट गए, इन द सेंस की नीचे जेल में चले गए कुछ लोग। नहीं, कुछ लोग यार मेरे अकाउंट बंद हो गए, कुछ लोग का चैनल ही बंद हो गया, और एक जेल जारी कर रहा था, केसेस पे केस चल रहे थे, तो वो अलग था। एआईबी वाले तो जेल ज्वाइन कर ली, नहीं ये वाला नहीं, वो अलग था। कैरी मिनाटी ने जो है एक रियल रोस्टिंग का जो है शुरू किया, जो बच्चों में, यंगस्टर्स में, लाइक 19 से 20 साल तक के जितने बच्चे होते, मतलब उसने जो भाई वो क्लास 19-20 तक फेमस नहीं था, वो फेमस था 12 से 20 तक। हाँ, 12 से 20 तक में ये बंदा, मैं 20 तक के बच्चों की बोल रहा हूँ, जो बच्चे 20 साल तक के थे ना, उन तक के लिए ये फेमस था। पर हमारे टाइम पर 12 साल की उम्र में तो नहीं था, लेकिन अब जो जनरेशन आई है ना, ये फोन वाली, ये फोन वाली जनरेशन में ज्यादा, उसमें तो 9 साल के बच्चे भी आ गए यार, एक ये और एक वो R2H वाले, राउंड टू हेल वाले, उनकी तो पूरी ऑडियंस ही बच्ची वाली। हाँ, राउंड टू हेल की और उसकी कहते हैं अमित बढ़ाना की, उसकी पूरी ऑडियंस ही 9 साल की। अमित बढ़ाना का कंटेंट देख, अगर तू स्पेसिफिकली देखेगा तो उसका कंटेंट क्लियर रहता है, साफ है, आगे बच्चों के लिए। हाँ, R2H का कंटेंट ही ऐसा नहीं है जो बच्चों के लिए हो, लाइक वो फिर भी उसकी वो सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए है, फिर भी उसकी ऑडियंस बच्चे हैं यार।
यू मोस्टली यूट्यूबर से अगर तू ऑडियंस देखो सारी बच्ची हो नहीं जैसे कि भुवन बाम का देख ले जिसकी कल्ट ऑडियंस होती है भुवन बाम का देख ले कैरी मिनाटी का देख ले एलविश यादव का देख ले इनकी बच्ची है ऑडियंस हां नहीं बीवी की वाइंस की भाई कितनी फेमस है भाई बच्चों की वाइंस की मैं बोलो अगर तू उनके व्यूज को स्टॉप करेगा पूरा तो पता चलेगा जनरेशन बाय जनरेशन जब से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे वाले टाइम में लोग ना एक टाइम के बाद किसी बंदे को जैसे कि जिसने 12 साल की उम्र हमने 16 साल की उम्र में देखना शुरू किया 16 हुआ 17 हुआ 18 हुआ 19 चार साल में एक बंदे को देखा हम बोर हो गए उससे उसी कॉमेडी क्लियर हो चुकी है दिमाग में तो उसके बाद 20 तक वो एक ही टाइप का बना रहा है वैसा कुछ नहीं एंग्री मास्टर जी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 अभी भी मैं बोलूंगा बाकी सब लगा ना कि उसमें वो बंदे थे लोग अपने मन से कहानी बनाते थे कि आगे क्या होगा लोग मतलब उसकी यूनिवर्स ये है कि वो अभी भी मिल रहे टॉप पे इन लोगों में लेकिन हम बात कर रहे हैं रूस्टर्स की और कैरी मिनाटी करता है बॉडी शेमिंग बस वो बॉडी शेमिंग फैट शेमिंग जो भी नहीं किया भाई बंदों की रेसिज्म छोड़ के जो वर्ड उसे मिलता था वो सब कर देता था लाइक वो ये नहीं बोलेगा कि तू काला है कलवा ये सब नहीं बोलेगा मतलब उस बंदे की वजह से वो जो बोल सकता है वो बोल देता है ये तो मोटा है ये तो वो है ये तो वो है सूर्य से हड्डी है अभी हवा मारूंगा उड़ जाएगा ये बंदे की वजह से दो ऐप की कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब बता इसने किया था टिकटॉक के सब्सक्राइबर्स डाउन करवा देते हैं ये थे वो मीम नहीं चल रहा अभी कि कहते हैं वो कुछ जल्ला होता है अचानक से पेट्रोल रहता है आग लग जाती है पूरी तो वो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब जल्ला था कैरी मिनाटी पूरी आग लगा दी और भाई तो क्या मतलब क्या कैरी मिनाटी हां ठीक है एक तरीके से अब जो है बहुत ज्यादा सेंसरशिप हो गया तुम्हें कॉलेज पास नहीं करना अब हम कर चुके हैं देखिए उसका अब उसका लगता है क्योंकि वो भी मान लो वेल ग्रेजुएटेड है बीटेक बीकॉम ऑनर्स अब ऐसे देखते लगता है उसका मन नहीं है वीडियोस बनाने का अरे जितने भी बंदे कहां से मैकेनिकल वाले हैं ये नहीं कंप्यूटर साइंस वाले हैं मैकेनिकल वाले मैकेनिकल वाले होते तो वेल्डिंग कर रहे होते वो भी सीए वो भी आईटी में तुम कोई सी ब्रांच चुनो तुम जाते आईटी में ये वही है मतलब तुम बस यहाँ अलग निकल गए हो लेकिन आगे तुम्हें जुड़ना है बस तुम्हारी सारी जस्ट लाइक रेलवे स्टेशन पहले सारे पटरी एक होती है फिर वो जाके बिखरती है फिर जाके एक बन जाती है एट वो दो ही लाइनें होती है एक जाने वाली एक आने वाली भाई तो कैरी मिनाटी ठीक था कोई भी नहीं करेगा मन था उसकी मैं भाई पूरा इंतजाम करता था बैठ के मतलब वेट करता था उसकी वीडियो निकालता था खाना लिया खाना इधर पानी इधर नोटिफिकेशन डालता था ना कि हाँ भाई इसमें वीडियो आने वाली अचार है पापड़ की लौड़ी है 10 मिनट का खाना और 10 मिनट की वीडियो मैं प्रॉपर वेट करता था उसकी वीडियो का लेकिन हमने भी किया अब वो नहीं रहा हमने भी किया यार सब बोर हो चुका मतलब बोर नहीं हो गए भाई उनका वो मैच्योर हो गए तो वो अब वो सब चीजें नहीं कर सकते अब नई ऑडियंस हम नई ऑडियंस है तो उनका टाइम वो लाइक बहुत कम है कंज्यूमिंग टाइम बहुत कम टाइम स्पेंड बहुत कम हो गया बहुत ज्यादा कम हो चुका 90% फोन चला रहे हो आज की डेट में चला रहे हैं लेकिन अब इंस्टाग्राम और टिकटॉक की वजह से कौन 10 मिनट की वीडियो देगा तू भी तो अब तक अगर बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग ना हो जैसे कि उसकी वो वाली आजकल ज्यादा फेमस हो रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस बस भाई मेरा मानना ये है हां वो तो है मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहा है जो ऊन जुनून काम कर रहे हो सब फेमस हो जाते हैं इसमें तुम्हें हम लोग रजत दलाल की बात नहीं कर रहे हैं और आजकल फेमस होने के लिए ना कोई ट्रिक नहीं है कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा कुछ भी हो कोई भी फेमस हो रहा है कि लेवल सबके निकलेंगे उसके लेवल निकल गए एक चीज का ट्रेंड आता है एक दो महीने रहता है महीना में तो बहुत बोल रहा है गाने भाई हर हफ्ते नए हर हफ्ते नए ट्रेंड पे आ रहे अब सिंपल और वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि नए गाने ट्रेंड पे आ रहे हैं गाने वाले हर हफ्ते कुछ पुराने कुछ नए कुछ पुराने भी उठ के गाने रिमिक्स रिमिक्स ही आ रहा है कोई आ रहा है कोई एक के ऊपर एक रिमिक्स कोई तो वैसे ट्रेंड आ रहा है और खत्म नैना दा खत्म और लोग उसको जाके फिर प्रॉपर YouTube पे सुनते कोई भी कॉपीराइट नहीं देगा अनसब्सक्राइब करा दूंगा टी सीरीज वालों
यही प्रॉब्लम है यार। तो कैरी मिनाटी का ठीक था, टाइम निकल गया। तो कैरी मिनाटी ओके ओके ठीक है, उसको कोई हेट नहीं और कोई वो नहीं। दूसरा कौन था जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? लक्ष्य चौधरी, ठीक है। वो बाद में आया, मैं बता रहा हूँ, मैं उसको कब से फॉलो कर रहा हूँ, जब वो मैं लॉगिन इंस्टाग्राम की नहीं, मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ वो, मेरे को याद है जब वो इंस्टाग्राम पे जो लड़कियों को गलत गलत कमेंट करते थे ना, उनकी इंस्टाग्राम की आईडी निकाल के उन पे वो कमेंट करता था कि ये तो खुद हड़ियल का है, ये खुद वो है, इसको रिपोर्ट करो, ये वो। मैं तब से उसे देख रहा हूँ, जब वो ऐसे दीवारों पे पेपर लगा के और खड़ा होकर वीडियो बनाया करता था, मैं उसको तब से देख रहा हूँ। वो ऐसे काम करता था, और वो पता कैसे अपने आपको बताता था कि मैं कोई भी बेटिंग ऐप प्रमोट नहीं करूंगा, मैं कोई भी स्कैम ऐप नहीं प्रमोट करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे ऐप प्रमोट करूंगा। उसने एक साल एक दो साल किया भी कि ये है हर्बल का प्रोडक्ट या फिर ये है कोई, उसने किया ठीक है। फिर एक दो साल बाद उसने देखा कि दुनिया तो ऐसे नहीं चल रही यार, दुनिया तो अलग चल रही है, मैं अलग दुनिया में हूँ, दुनिया में आ चुका हूँ, मैं गलत दुनिया में हूँ। तो अब भैया तुम सत्ता के लो, तुम ओपिनियन दो, जो करो, उसके हर ऐप में, उसके हर वीडियो में वो रहता है। वरुण धवन माय 11 सर्कल का वो कर सकता है एडवर्टाइज, तो ये तो यूट्यूब। तो उसके बाद लक्ष्य जो है इसमें शुरुआत से ऐसा था, जब अक्षय कुमार उसमें घुस गया था मेमल में जाके, उसकी गन रेड मारी थी डंग लोगों ने, मिल के गा रेड मारी थी, ये तब इच्छा हो गया उसकी रेड, उसकी रेड मारी थी डंग से मारी थी रेड मारी थी। मैं बता रहा हूँ ना इसने कैसे शुरू किया था, इसने ऐसे शुरू किया था ठीक है। तो ये भी लाइक, लेकिन इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि लक्ष्य चौधरी ट्रेंड को फॉलो करके आगे बढ़ा है, कोई कैरी नहीं, हमारे कैरी मिनाटी ट्रेंड बना था, कैरी मिनाटी मिनाटी खुद ट्रेंड बना था भाई, भुवन बाम आया था खुद ट्रेंड बना था, अरे मैं कह रहा हूं आशीष चंचलानी आया था खुद ट्रेंड बना था, उसने कहीं भी कॉपी नहीं करा, नहीं लक्ष्य चौधरी जो है ट्रेंड को फॉलो करके, वो उस टाइम YouTube पे गए थे, अब इंडिया में YouTube के ज्यादा कंटेंट नहीं था, कंटेंट नहीं था कोई, तो यार तो ये तो सोच सकता कि इन्होंने कुछ यूनिक सोचने की कोशिश की, वही मैं कह रहा हूं ये लो भाई बाहर से उठाया, अरे मतलब इंडिया में बोला मैंने, इंडिया में भले ही वो उसको नया बोल सकते हैं क्योंकि इंडिया में वो कोई भी जानता नहीं था कि हाँ आप किसी को बिना रेसिज्म के सिर्फ बोल के, और कैरी मिनाटी ने जो है उसमें दो चार ये सब बचपन से प्यारे प्यारे शब्द डाल दिए, ये सब इंसान बचपन से कर रहा बस बिना कैमरा, बिना कैमरा के। हाँ अब देखो पॉडकास्ट देखो, ठंड में हर जहाँ पे आग जल रही होती है वहाँ पे दो तीन घंटे का पॉडकास्ट चलता है, कुछ बंदे आए लोग पहाड़ों में यूट्यूब पर डालने लगते हैं यार, लोग पहाड़ों पर जाके बॉनफायर जला के वहां पे पॉडकास्ट करते हैं, वहां पे बॉनफायर, अरे गर्मी में गर्मी लग रही है चाय पी के पॉडकास्ट कर रहे हैं, बस कुछ लोग आए मतलब कुछ उसको वीडियो बना के डाल दिया, दिमाग में कुछ आया लाओ चाय लाओ बैठ जाओ बस तो चाय पे चढ़ चाय नहीं सब कुछ है, एक एक्स्ट्रा में कैमरा ले आओ बस। तो ये तो लक्ष्य चौधरी भी ओके ओके है, उसने शुरुआत थोड़ी से की थी और अब जाके हो गया है, तगड़ा हो गया। इसके अलावा बोलूं अगर ये सब दिल्ली एनसीआर में, तो फिर आता है वो तेरा उसका एलबी शायद, पहले वो रोज वो रोजी करता था, उसने सब कुछ किया, उसने सब कुछ किया। मैं बता रहा हूँ देख, मैंने उसको फॉलो भले ही नहीं किया लेकिन उसकी मैंने कहानी जानता हूँ, मैंने देखा जब टिकटॉक आया था वो टिकटॉक पे भी वो छपरी वाले काम करता था, यूट्यूब आया उसने यूट्यूब पे देखा रोस्ट चल रहा, उसने रोस्ट किया सब यही यूट्यूब पे, फिर उसके बाद जब स्क्रिप्ट चलने लगा याद है जब भाई बहन भैया भाभी और ये सब जो भी अंकल आंटी हां स्कूल पार्ट 1 उसने वो भी किया, उसने जो ट्रेंड चला उसने सब किया, फिर उसके बाद उसने देखा कि ट्रेंड चल रहा है जय श्री राम, और उसने एक गैप उसमें तो तबाही मचाई फिर कि एक बंदा है जो यूट्यूब पे फेमस है उसके पोजीशन में कोई नहीं है, ये एक गैप है, चलो भाई उसको गाली देते हैं जर्मन शेफर्ड तो लाइक उसने सब कुछ किया, उसने सब कुछ किया ठीक है, करना चाहिए मेरे को लगता है, हाँ आई नो दैट, उसने सब कुछ किया और तब जाके वो यहाँ तक पहुंचा है, ऐसा नहीं है कि वो उसने सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को लेके ही और ध्रुव राठी के अगेंस्ट में बुरा किया है, तो उसने टिकटॉक पे वो और एलविस यादव एक पहला ऐसा इंसान बना जो लगातार कंट्रोवर्सी से घिरा है और उसी से आगे बढ़ा भाई, हां उसी से आगे बढ़ा भाई, एक ना एक फेस अपने साथ लेके आता है और एक नई नई ऊंचाई पे पहुंच जाता है, पहुंच जाता है वो, जो भी कंट्रोवर्सी लाता है उससे वो एक एक और लेवल अप हो जाता है, वो हर वक्त लेवल अप होता जा रहा है, अभी तक भी वो पीक पे नहीं पहुंचा, अभी भी उसका लेवल अप होता ही जा रहा है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं वैसे भी आज के टाइम में जो नहीं
उसने सीधा बोला था, उसने बता रहे मेरे को, मैं ये कह रहा हूँ साइकिल चला लेगा ये कह रहा था, वो साइकिल चला लेगा वो पूछ रहा था। हाँ किता आप अपने बटुए में पर्स रखते हैं कि क्या बोले आम खाते हैं कि नहीं जो भी है ठीक है, तो वो सब वो कर लेगा। तो अलविश यादव भी है मतलब ठीक ठाक है ठीक है, उसके आगे कौन है, उसके आगे सलोनी आपा तूने डाला है कोई सलोनी आपा यार ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं ना, दूर दराज गाँव वाले हैं मतलब के ऑडियंस नहीं, मुझे लगता है आधी क्या वीडियोस डाल रहा है ये आधी ऑडियंस वो है सलोनी आपा, वो है पहले पहले उस वो करती थी कहते हैं बगल में है, तुम जहाँ गूगल पे क्लिक किया ड्राइव पे वहाँ बगल में यूट्यूब भी था। अच्छा इसका फोन है सैमसंग नहीं है भाई हमारे पास, चिंता मत कर। ये देखिए लड़की को यार ये तो उसकी तरह लग रही है, टिकटॉक में थी ये। हाँ चल ठीक है तो ये टिकटॉक पे पहले फेमस हुई थी, लेकिन जब टिकटॉक बैन हुआ तो इसने देखा कि भाई यूट्यूब पे क्या करें, क्योंकि यूट्यूब पे तो अभी तक शॉर्ट्स आया नहीं था, इंस्टाग्राम पे भले ही शॉर्ट्स आ गए थे। वो लड़की तो नहीं है जो अभी आजकल मार्केट में घूम के वीडियोस बनाती है? ये किसकी बात कर रहा है, वो जो नाचती है ट्रेन पे? नहीं वो नहीं, वो जो भाई किसी को कुछ भी बोल देती भाई मेन रोड पे मार्केट में कुछ भी किसी को। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, तूने शायद उस लड़की की वीडियो देखी जिसने शादी में जाके अंकल को कहती है कि मैं फ्री में खाना खाने आई हूं, और अंकल उसे रिप्लाई में कहते हैं बेटा मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ फ्री में खाना खाने आया हूं। पता नहीं जो भी है ठीक है, तो ये पहले टिकटॉक पे फेमस हुई थी ठीक है, पता नहीं किस चीज के लिए फेमस हुई थी, जो भी थी टिकटॉक पे तो कोई भी फेमस हो जा रहा था। फिर उसके बाद जब टिकटॉक बैन हुआ तो इसने सोचा कि क्या करें, क्योंकि यूट्यूब पे शॉर्ट्स आया नहीं था और इंस्टाग्राम पे रीलें उतनी चल नहीं रही थी, लाइक क्योंकि टिकटॉक जो है प्री इंस्टॉल हर फोन में आ रहा था, तो सारे बंदे टिकटॉक देख रहे थे, रील उतना फेमस नहीं हुआ था इंस्टाग्राम पे। तो इसने देखा कि भाई रोस्टिंग चल रहा है, मैं देखूंगा, मैं हाथ धो दूं बस वही है ये मतलब। ये अगर तू कल्चर देख रहा है ना यूट्यूब पे, ध्यान से देखे कोई भी चीज अगर ट्रेंड में आती है सब उसी पे बनाते हैं। हाँ ये सब उसी पे बनाते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन मैं इसने समय के साथ अपने आप को ढाला और ढालते ढालते आगे बढ़ गई। हां आगे बढ़ गई ठीक है, जान दे दूंगा उसके लिए। मेरा फेवरेट लगा था, नहीं 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 मेरा फेवरेट है वो डैंग ऋषु, मेरा फेवरेट है भाई। लाइक वो अगर रोस्ट करता है तो वो सच में रोस्ट करता है। अच्छा वो लिटरली लाइक यू समझ लो कि रोस्टिंग ऐसा आया था जैसे कि सामने कोई बंदा वो सब पकड़ गए और चांटे चांटे हो जाएगा सामने घसीटता वाला आया गोल गोल वहां फेंक देगा, मतलब उसका ऐसा रोस्ट कर, ऐसा रोस्ट करता है कि मन में लिटरली रोस्ट करता है वो। जब रोस्ट करता है ना तो वो देखता नहीं कि कौन है, चड्डी फाड़ देता वो उसकी लिटरली ऊपर से नीचे चट्टा किट्टा दोगलापन जो दिखाना होता है ना उस बंदे का सब कुछ दिखा देता है। वो रोस्ट करता है तो एकदम सेंसिबल पॉइंट पे रोस्ट करता है, जैसे केविन हार्ट उसके ऑडियंस को रोस्ट करता है ना, वो सबके लिए रोस्ट करता है कि वो कुछ ऐसा बोल देगा कि सभी हंस देंगे। लेकिन जब डैंग ऋषु रोस्ट करता है तो वो कुछ ऐसा बोलता है कि अगर तुम्हारे पास उसकी नॉलेज होगी तो तुम हंसोगे और तुम याद रखोगे को वो भाई साहब क्या बोल दिया इसने, इसने तो मतलब ऐसे ऐसे सुलगा दी ऐसे रोस्ट करता है मतलब लाइक पेट्रोल छिलक दिया बिल्कुल। वो पेट्रोल भी खुद ही छिड़केगा, आग भी खुद ही मारेगा, वो भी खुद की है पेट्रोल भी खुद का बिल्कुल। अगर आपको उसका काम देखना है जिस पे हो रहा है वो दूसरा पे, हां वो जो जल रहा है वो जल रहा है बुरी तरीके से जल रहा है। अगर आपको उसका बेस्ट काम देखना है ना तो YouTube पे सर्च करना, उसके चैनल से तो उड़ गई है लेकिन YouTube पे है डैंग ऋषु एल्विश एडम फ्रॉस्ट भाई गजब एकदम, मतलब उसकी ऑडियंस ज्यादा बच्ची थी, उसने लक्ष्य को इतनी बुरी तरीके से रोस्ट किया, मतलब जिसको भी रोस्ट किया ना
खोल के रखा मैं भाई, मैं देख बना दिया उसको भाई बिल्कुल, तू नहीं समझ पाएगा ना, तू नहीं समझ पाएगा यार। अच्छा ठीक, वो वाइड रेंज वाली ऑडियंस को नहीं करता लाइक, तो जैसे ये आशीष चंचलानी को भी रोस्ट किया उसने बुरी तरीके से, हर्ष बेनीवाल को तो उसको भी कर दिया उसके लाइव में, रफ्तार को तो उसके लाइव में कर दिया, मतलब वो जो बंदे रफ्तार की हिस्ट्री और सब जानते होंगे, रफ्तार को अच्छे से जानते होंगे, रफ्तार को अच्छे से जानते होंगे वही समझ पाएंगे कि कितनी बुरी तरीके से रोस्ट किया। ठीक है, हर्ष बेनीवाल को तो बुला के लाइक आमने सामने बैठ के फेस टू फेस, फेस टू फेस, और मतलब जो सच्ची सच्ची बातें होती है ना वैसे बोल के, मतलब ऐसे उसकी कसाई है, लेकिन हर्ष बेनीवाल भी तैयार था, उसने भी कुछ कुछ वर्ड्स बोले जो डैंग ऋषि को लगे, लेकिन उतने नहीं लगे जितने डैंग ऋषि ने बोले उसके लगे। तो वो मतलब कल्ट वाला बंदा, उसके ऑडियंस बच्ची नहीं, उसकी ऑडियंस बच्ची नहीं, उसकी मैच्योर है, मैच्योर है, कल्ट है, से अबव वो जैसे होता है ना नेटफ्लिक्स की ऑडियंस है कि पैसा दे के उसका कंटेंट देखने आएगी, वैसे ही डैंग ऋषि की है कि पैसा दे के सब्सक्रिप्शन दे के उसका, उसने अपना एक वो भी तो निकाला था, उसने एक छोटा सा स्किट निकाला है, हां वो अपने वाले के साथ, तो उसको लोग सबके सब एआई भी कॉपी बोल रहे हैं। वो बातें ऐसी करता है ना कि तुम मजाक से हट गए, तू उसकी वीडियोस देखी हो, तू खुद बोलेगा कि मुझे इससे बात नहीं करनी भाई, इससे दूर ही करा देगा, ये कभी भी कुछ भी और कुछ भी कर सकता है, लेकिन बातों में तुम्हें घुमा देगा, तुम्हें समझने के लिए गाना गा रहा है, सोचना पड़ेगा, अल्लाह के बंदे हंसने, अल्लाह के बंदे, जैसे कल उसका कुछ भी हो मोदी आएगा, जैसे कल वाला जो हुआ था ना उसके साथ हुआ था, कौन है, नीरज गोयल जो बॉक्सर है जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है, जैक पॉल के साथ उसकी जो प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, अगर तुमने देखा होगा जैक पॉल का, उसने क्या कमेंट किया, वो सीढ़ी वाले ने बोला कि रजत दलाल या उसी में से किसी ने कुछ बात चली थी कि बॉक्सिंग बहुत फेमस है, बोला हाँ मेरे अभी एक शॉर्ट पुट वाला गेम बहुत फेमस है। तो समझा काश नहीं समझा, समझना पड़ता है शॉर्ट पुट क्या होता है, कौन सा गेम होता है, यही पे शॉर्ट पुट वो जो बॉल फेंकते हैं ना यहाँ से लोग थोड़ा एक राउंड अप लेते हैं, आज जो भारी सी बॉल होती है, हाँ लोहे की जो बॉल होती है, स्पोर्ट्स में तो वो जो है ना वो कश्मीर का बंदा है, वो कश्मीर से है, तो उसने कहा हमारे बहुत फेमस है शॉर्ट पुट का गेम, और उसके लिए तुम्हें कोचिंग जाना पड़ता है, थोड़े पैसे मिलते हैं और आपको करना पड़ता है, और वो अब जाके समझा, अब थोड़ा बंद हो गया, ऐसे बंदे से तो बात करेगा, और थोड़ी देर बाद बोला लेकिन मेरे पास संतरी चेयर है इसलिए मुझे कोई डर नहीं। वो बंदा पूनम पांडे को चेस में बुलाया, अब वो तो सबके लिए था, पूनम पांडे बंदा यार, अभी और सुनना, पूनम पांडे को चेस में बुलाया, पूनम एक तो बहुत तगड़े तगड़े बंदों का चेस करा रहा है, पूनम पांडे को चेस में बुलाया, अब वो चेस के रूल समझा रहा है, समझा रहा है कि अगर जो प्यादा है ना, प्यादा अगर एंड में पहुंच जाए ना तो वो रिवाइव हो सकता है, किसी भी एक चार पांच जो चेस के वो होते हैं मेन मेन कैरेक्टर उनमें, हाथी घोड़ा रानी, तो बोले जैसे कि आप रिवाइव हो गई थी। और वो किसको बुला के लाया था खिलवाने, मैक्सटन को और रजत दल, नहीं मैक्सटन, मैक्सटन और वो कौन है करने वाला, क्या इसका नाम, भूल गया, जो भी है, पुनीत राज, पुनीत सुपरस्टार और एक और दीपक कला, दीपक कला, आज मैंने ये वाला देखा था, मैंने जब बोला मैं रोज सुबह देखता हूँ ये, तो उस टाइम उसकी बत्ती खुल गई, ये दोनों लगे पड़े हैं, और रजत दलाल को बुलाता है, रजत दलाल को बोला है आप मुझे झाके भी नहीं मार सकते क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ। तो मैं घर पे हूँ नहीं, क्योंकि मेरा घर तो टूट चुका है, अपने नाना को मार देता है बात बात पे, बात बात पे मारता रहता है अपने नाना, भाई मैं बोले हमारे पहले स्ट्रीम में बोल रहा है कि भाई पता है मेरे नाना तो चले गए, बताइए कैसे, बोलता रहा मेरे नाना तो चले गए, तो बोले हाँ बुरा हुआ नींद में थे, क्या वो ऐसे कुछ बोलता है कि नींद में थे और चले, नहीं मेरे नाना, नहीं मेरे नाना तो सोते सोते ही सोते, हाँ सोते सोते ही चले, अच्छा है भाई वो, अच्छा होता है सोते सोते ही चले, नहीं नहीं हम सो रहे थे, आवाज उन्होंने लगाई थी, हम सो रहे थे, अगले स्ट्रीम में सुन, अगले स्ट्रीम में कहानी कौन सी हो रही है, घोड़ा रफ्तार नहीं, रफ्तार बोल रहा है गाइस चिंता मत करो गाइस, नाना जिंदा है, नाना जिंदा है हमारे दिलों में जिंदा, रफ्तार को वो भाई रफ्तार भी रोज, और उसकी नॉलेज उसका ना वो हर जगह है, चेस खेलता है, पंजाब का कोई ना रिप्रेजेंटेटिव आया था कि हम लोग पंजाब में चेस क्यों प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि वहाँ पे ड्रग्स वगैरह बहुत होते हैं, तो जो बच्चे हैं वो चेस खेलेंगे, तो फिर समय बोलता है
हाँ तो बच्चे ड्रग्स करके चेस खेलेंगे तो ज्यादा अच्छा खेल पाएंगे तो फिर वो पंजाब का रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं। हाँ नहीं 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 अरे वो क्या हो बहुत कोई टूर्नामेंट चल रहा था तो ये ना चेस की कमेंट्री करने जाता है चेस के दिग्गज लोग वहाँ कमेंट्री कर रहे हैं एक ये आ गया बीच में ये आ पर ये बहुत इसके चक्कर में चेस में भी खेलता हूँ मैं काफी रूल समझ आया इसके चक्कर में मैं इसी को देख के खेलना शुरू किया था रियल में मेरे को इतना ही पता है कि हाथी सीधा चलता है ऊंट टेढ़ा चलता है और घोड़ा आड़ा चलता है नहीं नहीं मैं ये तीन चीज ठीक ठाक खेल लेता हूँ ठीक ठाक कर लेता हूँ कैसा तो समय रहना अगर सामने आ जाए तीन बंदे हैं जो सामने आ जाए तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा पहले नंबर पे समय नहीं उनसे तो बात करूंगा समय रहना हो गया कैरी मिनाटी हो गया और आईसो स्पीड हो गया इन तीनों के सामने मैं बात नहीं करना आईसो स्पीड तो भौंक के चला जाएगा क्या कर रहा है उससे बात कर वो बैठा हुआ है बिस्किट खा रहा है तो समय रहना भी ठीक है कोशिश तो करता है कि मैं कुछ ना बोलूं बट निकल जाता है। अगला कौन है ट्रिगर अगला यार ट्रिगर इंसान तो यार बच्चों के लिए प्रॉपर वो मान चुका है उसकी कंट्री पूरी फैमिली बच्चों के लिए नहीं वो बच्चों के लिए है लाइक और लड़कियों के लिए ठीक है लड़कियां जो भी बड़ी लड़कियां जो होती है वो देखती है पता नहीं मैंने किसी लड़की का मैंने किसी लड़की के मुंह से कभी नाम नहीं सुना पता है तुम कौन दो लड़के को सुन चुके हो उसको शौक क्या क्या चढ़ जाते हैं कभी कभी वीडियोस बनाने के पता नहीं क्या क्या डालता रहता है बैठ के मैंने नहीं देखा क्या डालता है जैसे YouTube की कोई वीडियो उठा लेगा अच्छा रिएक्शन हां रिएक्शन में मतलब यार वो नकली हंसता है वो सबको पता है वो नकली हंसता है वो उसके खून में आ गई है लगता है नकली हंसता है मैंने बहुत पुरानी वीडियो देखी मुझे लगता है वो है ही ऐसा मेरे जैसा किसी की बात में हंस देता है इससे भी खतरनाक है मतलब तूने तो बहुत बड़ी बात कर दी है तू उसके लेवल बहुत छोटा है वो बहुत ज्यादा हंसता है बाकी उसके ऐसा बनना बहुत मुश्किल है मतलब उस कोशिश उस बंदे ने बहुत कोशिश की 10 साल उसकी रोस्टिंग मतलब रोस्टिंग ऐसे ही लगते हैं मुझे सही लगते हैं वो क्या बच्चों को देख बच्चे हंसते हैं देखते हैं वही बच्चे ही हंस सकते हैं बस अगर तू उसके आगे जाए तो तेरा वो आ जाता है क्या थगेश वो अभी नया बंदा नया नहीं बोलूंगा बट ट्रिगर्ड इंसान और ये जो मेन मेन जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे काफी बाद में आया तो इनकी ऑडियंस अलग है इनकी ऑडियंस वही है फैमिली वाली कौन ऑडियंस है इसकी इनकी भी ट्रिगर्ड इंसान हो गया थगेश हो गया थगेश भी मतलब लेकिन थगेश ये है कि वो अपने आप को लेवल अप करने की कोशिश करता है जैसे कि अभी बीच में वो शो लाया था मुझे जो अपनी गाड़ी चला देता है ये बंदा क्यों है ये हर कंटेंट में क्वेश्चन पूछ देखो ये समझ नहीं आ रहा कि उस बंदे को देख कौन रहा है उसकी ऑडियंस कौन है पैसा पता उसकी ऑडियंस वो है जो किसी की ऑडियंस नहीं है अरे जिनको पता है बाइक चाहिए इनको शौक है कि मैं चलाऊं मेरे को महंगी गाड़ी चाहिए पर वो चला नहीं पा रहा है इट्स लाइक कि तो वो उसको चलाता हुआ देख के खुद खुश है जो वो सेम चीज मेरे को बीच में शौक चढ़ाता पर बाइक का नहीं साइकिल वाला देखता था मैं अच्छा वो गियर वाली साइकिल बैटरी वाली साइकिल जो माउंटेन पे चलाते थे वो मैं बहुत देखता था एक छोटी सी गलती और तू फिर वो देखेगा ऊपर से देखेगा भाई वो बंदे बहुत परफेक्ट चलाते थे तो एक बार उस दुनिया में चला जाता गोप्रो डालता ना हाँ ठीक है तो एक दिन उस दुनिया में चला जाता जिस दुनिया में लोग बिल्डिंगों पे एक के ऊपर एक ऐसे ही हम छोटे कॉलेज वाले भी सेम UKG 7 जैसी ऑडियंस ही है हम भी गूगल वालों को देखते हैं YouTube पे की Google पे आज दिन कैसा रहा जैसे मैं बैंक वाला था तो मैं बैंक की लाइफ दिन देखता था कि तो गाइस मेरा SBI PO हो गया क्रैक तो गाइस ये खाना मिल रहा है पहले ट्रेनिंग पे लंच पे और गाइस मैं एक और घंटे बाद पता नहीं ये लोग जिद करके क्यों ले जा रहे हैं कि लंच करता है और आज हमारी कैंटीन में बना है अच्छा गूगल में भी यही दिखाते हैं अरे कैंटीन अपना सबका कंटेंट सेम है क्या अरे तू कॉन्फिडेंशियल चीज दिखा नहीं सकता तो पूरे ऑफिस में क्या बचा कैंटीन तो ये दिखाता कि आज कैंटीन में मैं बता कि बैंक वाले की कैंटीन दिखा रहे तो गूगल वाले और क्या Amazon वाले सब ये दिखाते हैं भाई सब कॉन्फिडेंशियल चीज दिखा देता है कोई दिखा नहीं दो चीज दिखाते हैं तो मैं यहां जा रहा हूं ट्रैवल करते हुए दिखाएंगे और अपना घर का बैंक भी है क्योंकि वहां पर नोट गिनते दिखाएगा नहीं नहीं वो चलने वाला कि कितना पैसा तो वही दिखा सकता है और SBI तो बहुत लंच करता है वो दिखा भी सकता है गूगल वालों का एक ही है SBI तो बहुत लंच करता है उनके पास कॉन्टेंट बहुत है इनके पास ये है कि सुबह गूगल वाले ने गाड़ी भेजी है मैं गाड़ी से जा रहा हूँ गाड़ी से उतरने के बाद बिस्किट गाइस पार्ले जी बिस्किट गूगल के शोरूम में तो ये डायमंड का नहीं नहीं गूगल की खुद की लिफ्ट है गाइस गूगल में मैं जा चुका हूँ ये तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं गूगल अगला कौन है अगला सुन रहे वे ये कौन
सुंदरे में इट्स लाइक लीश है, जैसे तू डैंक रिशु को देखता है ना, तो डैंक रिशु के चार पांच लोग हैं जो ये दोस्त बोलते हैं अपने में, जैसे डैंक रिशु हो गया और वो जैक्स हो गया, जैक्स हो गया अर्पित वाला तो अभी आया, उससे पहले था ये। हाँ जैक्स तो बहुत पहले था, वो तो शुरुआत से ही था। डैंक रिशु, जैक्स, अर्पित वाला भी नया ज्वाइन है, सुंदरे बे वाला ये नया है, ठीक है, ये अर्पित वाला से पहले ही है। ये भी यही काम करता है, अपने रूम में खड़ा हो जाता है, कैमरा लगाता है, फिर होस्ट करता है। मतलब वो हमारा वाला काम जैसे तो नहीं, हम तो पॉडकास्ट बना रहे, वो तो होस्ट कर रहे हैं, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम कुछ तो हमें भी कुछ नहीं पता हम क्या फेमस हो गए तो बेटा पॉडकास्ट तो नहीं बना रहे बैठ के, हम पॉडकास्ट नहीं बना रहे, हम आ गए, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग मुझे कुछ नहीं पता, हमें खुद नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, हम भी एलवी शायद मतलब जो दिख रहा है बोल रहे हैं सब ना यही करता है। तू अगर तू सामने वाले बंदे को देखा ना, रोस्ट का कल्चर भी यही है, जब कैरी मिनाटी ने कहता टिकटॉक को रोस्ट किया था तो सारी जनता और जो नहीं थे वो भी घुस गया था इसके अंदर। जब पबजी का आया था तब सारी जनता, कोई भी एक टॉपिक जब उछलता है ना तो सारी जनता उसका यूज करती है, तो अभी मंगलसूत्र का उछल रहा है ना, ये सारी जनता ही ये करती है, वही हम भी कर रहे हैं। जब आज के टाइम में बहुत लो टाइम स्टैम्प स्टैम्प बोलते हैं ना, लो टाइम स्पैन स्पैन बीच वाला काट दे, लो टाइम स्पैन है तो क्या करे बंदे, मैं पहुंच रहा हूँ दिखा वो 19 सेकंड में भी उन्हें पसंद नहीं आया, तो सोच रहा है मुझे तो 2 सेकंड में पसंद नहीं आता भाई, देखता हूँ चल तेरा कंटेंट ही खराब है, इसको पूरे कपड़े पहने कौन देखेगा, अब इसको कुर्ता पहने इसे कौन देखेगा, ये कुर्ते के अंदर क्या पहना है ये नीच मतलब अगर इंस्टाग्राम में तो वो है वो नीच ना, और ट्रैक करके गवर्नमेंट को भेजे तो गवर्नमेंट को मार दो, अच्छा सजेशन है ये लड़के की क्वालिटी लेवल अच्छी है, इसका जो फीड है ना लाइक एल्गोरिथम इसको देख के बनाना चाहिए, जैसे लाइक अभी ये व्हाट्सएप वाला मामला सामने आया है, व्हाट्सएप वाला निकल जाऊंगा मैं, जा रहा हूं कि हमें चैट देखने दो, मैं जा रहा हूं, हां जा जा गवर्नमेंट कह रही कि हमें चैट देखने दो, जा मैं चला जाऊंगा अपना, हम अपना ऐप बनवाएंगे सरकारी, ये जो टेलीग्राम पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, नहीं यार टेलीग्राम को जो यूज करते हैं ना उनको पता है वो क्यों यूज कर रहे हैं, मुझे वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन टेलीग्राम अपना एक टाइम पे एक और फेमस हुआ था, पहले तो व्हाट्सएप को जाने ही नहीं देते, सिग्नल ही तो था, सिग्नल ही था, सब मैसेज करेंगे सॉरी है ना, सॉरी दोस्त ये आखिरी मैसेज मेरा, गवर्नमेंट चेक करना चाहती है जैसे पेटीएम के साथ कौन किसको वोट दे रहा है, समझ रहा है किसको वोट दे रहा है, किसको देखना चाहती है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये ट्रैक होना चाहिए कौन किसको वोट दे रहा है, ब्रेन वॉश्ड, पांच उंगलियां होती हैं बस, जो भी है इसके बाद कौन बचा, कोई नहीं, अरे केआर के द बेस्ट रोस्ट, चुप हो जा, तो चुप हो जा केआर के, नाम मत लिया, तो ये भी नहीं पता केआर के, केआर को नहीं पता, ज्यादा नाम तो मैं देखता हूँ, अगर जैसे कि अगर तुझे एक एग्जांपल, तुझे एक अगर एग्जांपल देखना हो ना कि थूक के चाटना किसे बोलते हैं, ये क्या है इंसान, अगर तुझे एग्जांपल चाहिए ना कि थूक के चाटना किसे बोलते हैं, तो यही है वो इंसान के रूप में इंसान नहीं है, ये सेम टू सेम फोटोज क्यों लगा रखे इस लड़के का, ये इसने सस्ते एडिटर को बिठा रखा है क्योंकि ये सिर्फ गाली देगा, हां ये क्या ये सीरीज बनाता है कि अपनी खुल्लम खुल्ला, हां खुल्ला है खुल्लम खुल्ला, हां भाई मैं बोल रहा हूं थूक के चाटना जिसे बोलते हैं ना वो सेकंड नंबर पे यही है, क्या ये तूने देखा होगा, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको तूने ना देखा, ये तो ऐसा लग रहा है आप उल्लू के पट्टे हैं, लेकिन उसका जो वाला गाना है ना वाला गाना में लोग डांस भले ही बेकार था लेकिन गाना मेरे को अच्छा लगा था इसका, तुझे क्या सब उसकी शकल किसी को अच्छी नहीं लगी दुबई में, इसलिए बस पैसा गाना मुझे अच्छा लगा, इसका मेन बिजनेस यूट्यूब पे यही है कि जो बड़े बड़े एक्ट्रेस है जो बड़े बड़े लोग है जब पुराना गाना बोल रहा है कि मुझे लगा नए गाने की बात कर, नहीं सुनना मुझे, ये तूने सुना होगा, हमने कुछ सुनना ही नहीं,
मैंने सुना नहीं है। जा मेरे को वाला स्टैक देखना है जिसमें गोली खा के मर जाता है ये। वो तो देशद्रोही वाला स्टैक है। टेस्ट बेचारा समय रहना उसकी भी बेइज्जती हुई टोटल की बिकी टोटल की भी फेमस हुआ था ना। सबने उसको एक्यूज किया चीटिंग करने के लिए ऑनलाइन जब चेस करता था तो उसका मुंह बार बार एसएस हो रहा था तब सबने ना शाम को और वो हर बार किसी को कहता ना आप टोटल चीटिंग तो नहीं करोगे आप टोटल चीटिंग तो नहीं करोगे। आधे लोग को रजत लाल ने ही बोला कि भाई आप बहुत ऐसी बात करते हो तो सोचने के लिए भी आई क्यू ज्यादा चाहिए। मैंने बोला मैंने आपकी वीडियो देखी तब जाके मुझे दो तीन बार एक लाइन समझ आई अच्छा ये वाली बात कर रहा है। अरे उसने बीच में बोला भाई था कि कहते अरे रजत भाई जब रजत और रफ्तार का कहते चेस बनाया था रजत भाई आपको पता है वॉचिंग कितनी गई थी कितनी 36,000 तो अच्छा ये ज्यादा होता है ये ज्यादा था नहीं आप समझ नहीं रहे 36,000 अच्छा 36 बिरादरी। रफ्तार को भी रोज कर रफ्तार के तो बहुत क्लोज बनता होगा एक तरीके से वो। रफ्तार के बाद पहले उसको किसी और एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का भी ऑप्शन वो आया था एड उसके तू देखियो वो सबसे तगड़ा मूवी। चलो यार चलो फिर खत्म करते हैं इसको। चलो भाई ठीक है भाई तो हमारा जो आज तक टास्क हमारा कंप्लीट पिछले हफ्ते कोई वीडियो नहीं आया के लिए ढूंढेंगे ट्रेंड में था नहीं इस वक्त देखो ट्रेंड में नहीं था तो हमने रोस्टर को बना दी यही अब तरीका बचा अब यही प्लीज कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए सब क्योंकि भाई जनवरी से लेके कंटेंट मिल जाएगा जनवरी से तक हमारा हम जगह कंट्रोवर्सी देते हां जनवरी से लेके मार्च तक हम लोग भाई नहीं तो बंदे बुलाने पड़ेंगे हर हफ्ते कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हर हफ्ते कुछ ना कुछ नहीं तो बंदे बुलाने पड़ेंगे तुम लोग कमेंट में नाम दो फिर हम जूम पे करेंगे तुम्हारे साथ। हां तुम ही से बात कर लेंगे जूम पे बात कर लेंगे। तो चलो हमारी सुनाना इस वीडियो के लिए हम बाय बाय करते हैं टाटा बाय बाय गाइस सायोनारा नया फोन लिया गया मैंने तो तुम लोग कहां जा रहे हो कब जाएंगे अरे वो नहीं लेना चाहते हो तो तुम पैसे में क्या मर्जी जाकर साला रुक जा।